हेलो फ्रेंड, दिस इज साक्षी पावा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ब्रेजा क्यों इतनी लोकप्रिय है, क्यों वो अपने सेगमेंट में सबसे हटके गाड़ी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या रिव्यू है ब्रेजा को लेके। और अगर आप अपनी गाड़ी का ऑनेस्ट ऑनरशिप रिव्यू देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बेसिक ओवरव्यू की, आपको क्या नया मिलने वाला है अपकमिंग ब्रेजा में। तो अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे आपको फ्रंट रियर दोनों के बम्पर डिज़ाइंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ग्रिल वाइज भी चेंजेस आपको मिलेंगे। और अगर मैं हेडलाइट्स की बात करूं तो वहाँ पे आपको ट्विन पोर्ट हेडलाइट्स मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड DRLs। और अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो वहाँ पे भी आपको न्यू डिज़ाइंस अलॉय व्हील्स मिलेंगे। ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए गए, बट स्टिल कुछ माइनर चेंजेस जो इन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं या फिर डिज़ाइंस को लेके चेंजेस किए हैं फ्रंट बैक में, वो काफ़ी आपको अट्रैक्ट करने वाली है। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको जो स्टीयरिंग है वो आप इंटीरियर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलने वाला है। और एक्सपेक्टेड है कि जो डैशबोर्ड है उसमें भी थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इम्प्रूव किया गया है। एक्सपेक्टेड है कि जो पहले वाली ब्रेजा थी उससे ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको इंटीरियर मिलेगा विद द न्यू फीचर्स। और अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूँ कि आपको अपकमिंग ब्रेजा में क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको मिलने वाली हैं फ्रंट सीट वेंटिलेटेड मिलने वाली हैं, आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। और एक गुड न्यूज़ है जो मारुति की तरफ से, वो है सनरूफ को लेके। भाई मारुति पहली बार अपनी किसी गाड़ी में सनरूफ लॉन्च करने वाली है विद द न्यू ब्रेजा। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पे हेडसअप डिस्प्ले, जो ऑटोमेटिक लेने वाले उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि उनको पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे। तो पैडल शिफ्टर आपको आपका ड्राइव एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और काफ़ी स्पोर्टी कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ब्रेजा में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलने वाले हैं। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो मारुति ने डेफिनेटली यहाँ पे बॉडी शेल को काफ़ी इम्प्रूव किया है, बॉडी शेल इम्प्रूव हुई है अपकमिंग ब्रेजा की। और साथ ही में आपको अपर वेरियंट्स में 6 ईयर बैग का सपोर्ट भी मिल सकता है। और अगर मैं इंजन ऑप्शन की बात करूँ तो इंजन ऑप्शन वही आपको 1.5 लीटर का K15C इंजन मिलने वाला है। बट अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इस बारी हाइब्रिड माइल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, जिससे आपकी गाड़ी की माइलेज पे थोड़ा इंप्रूवमेंट होगी। एटलीस्ट 1 to 1.5 KMPL की इम्प्रूवमेंट आपको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और सब ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ब्रेजा में CNG ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों ब्रेजा इस SUV सेगमेंट में सबसे खास है, क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे भाई इसको मिलता है मारुति का ट्रस्टेड इंजन, जो कि सब इंजन से डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और अगर सेफ्टी की बात करूँ तो जो पहले वाली ब्रेजा थी वो भी अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग होल्ड करती है, 4-star रेटिंग काफ़ी अच्छी है। बट जो इन्होंने सेफ्टी को लेकर एनहांसमेंट किए हैं तो उससे एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है अपकमिंग ब्रेजा को 5-star रेटिंग भी मिल जाए। और अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो जो पहले वाली ब्रेजा थी उसमें कुछ कमियाँ थी जो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती थी, कि जैसे कि उसका डैशबोर्ड की क्वालिटी थी या अंदर के मटेरियल की क्वालिटी थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। बट जो अपकमिंग ब्रेजा में है वहाँ पे आपको क्वालिटी के साथ साथ बहुत अच्छे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेस्ट से इंस्पायर है, तो आपको मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हेडसअप डिस्प्ले है, टच स्क्रीन सिस्टम है। तो वो आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज मिल रहा है एक ही गाड़ी में। आपको सेफ्टी भी अच्छी मिल रही है, आपको इंजन ऑप्शन भी अच्छा मिल रहा है, आपको इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम लेटेस्ट मिल रहा है, प्लस आपको माइलेज भी यहाँ पे डिसेंट मिलेगी। तो भाई आपको इस गाड़ी में अच्छी माइलेज, अच्छी सेफ्टी, अच्छा मारुति का ट्रस्टेड इंजन, अच्छे फीचर्स, अच्छा इंटीरियर एक्सटीरियर मिल जाता है, जो इस गाड़ी को ऑल इन वन पैकेज बना देती है और बाकी गाड़ियों से अलग कर देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ब्रेजा कैसी लगती है और अपकमिंग ब्रेजा के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।